हेलो गाइज, मैं बबलू और आप देख रहे हैं जाट मशीन। गाइज, आज हम सेल रिपेयर करेंगे तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा सेल के बायरिंग संबंधित, होलर के बायरिंग संबंधित, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गाइज, ये हम आज अपना नया सेल चेंज कर रहे हैं, जो पुराने को हम चेंज करेंगे और नया लगाएंगे उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये अभी हम मार्केट से नया बाय करके लाए हैं सेल, जो अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि हमारा सेल अभी ये जो अभी रेक्स कंपनी का हमारा ये सेल है उसी को हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो गाइज आप देख लीजिए, जो हमारा पिछले वाला सेल है जो अभी फिलहाल हमारा होलर में चल रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, जिस कारण हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो वो ज़्यादा दिन चलने के बाद वो पूरी तरह से घिस चुका है, जो अभी माल के टाइम बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। ये देख लीजिए, हमारा ये रेक्स कंपनी का 1.5 का ये हमारा सेल है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी का सेल है और पूरी तरह से ढलाई किया हुआ, जो कि अच्छे तरीके से घाट बना हुआ हमारा ये सेल काम कर रहा है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा मेड इन इंडिया का जो रेक्स कंपनी का, आपको हम नंबर दिखाते हैं उस साइड में। ये हमारा ये नंबर देख लीजिए, 196552 का रेक्स कंपनी का सेल, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ पे। और इसका जो टिकाऊ है बहुत ही अच्छा है, जो कि धान कुटाई में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस सेल का, जो आपको एक घंटे में मैक्सिमम आपको 20 से 25 मोन आपको इसका कुटाई करके देता है, जो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं ये हमारा सेल। और चावल भी बहुत ही बेहतरीन बनते हैं इस सेल के द्वारा। तो हम इसको बाय करके लाए हैं मार्केट से। ये हमारा बायरिंग है जो सिंगल बोरिंग में चलने वाला हमारा ये है, जो कि अगर आप डबल बॉल में लेते हैं तो उसका वो ख़राब होने का ज़्यादा चांस बने रहते हैं, जिस कारण वो बार बार आपको परेशानी करते हैं। तो इसीलिए हम उसको नहीं लाए इस बार। अगर सिंगल बायरिंग वाले आप लाते हैं बॉल वाले तो आपको जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये 6309E का हमारा यह बायरिंग है, जो कि 1.5 जो सेल होता है इसमें ये लगता है। आप देख लीजिए, ये RBM का बायरिंग सॉकेट है, जो सॉकेट को पहले हम उसमें अटैच करेंगे सेल में, उसके बाद हम बायरिंग लगाएंगे अच्छी तरह से, सॉकेट को हम लगाएंगे उसके बाद फिर हम उसको लगाएंगे। क्योंकि जब भी आप बायरिंग लगाएं तो नया सॉकेट हिलाएं, ताकि आपको अच्छे से आपको वहाँ पे मिला करके होलर में लगा करके कहाँ पे हमारा सेटिंग, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपको होलर जहाँ से ख़त्म होने का चांस बना रहता है, जिस कारण आप पूरी अच्छे तरह से ध्यान से लगाइए। देख लीजिए, हमारा ये छुरी जो है अभी ये कस्तूरी ब्रांड का दिया गया है, जो अच्छा परफॉर्मेंस में हमारा ये वर्क करता है, और इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको हम सेटिंग करके दिखाएंगे इसका। सबसे पहले हम वायरिंग को इसमें लगाते हैं, पहले हम सॉकेट को अच्छी तरह से इसमें देख लेते हैं कि हमारा सॉकेट किस जगह पे हमारा अटैच करते हैं, उस जगह पे हम आपको सॉकेट लगाएंगे। सॉकेट लगाने के बाद आपको पूरी तरह से देख लेना है कि हमारा वायरिंग किस टाइप में लगेंगे, यानी कि अपोजिट साइड में किस तरह लगेंगे, ताकि हमारा जो वहाँ पर जो जगह दिया रहता है वहाँ पर पूरी तरह से बैठ जाए, यानी कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से अच्छे तरीके से वहाँ पे बैठ जाना चाहिए और आपको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप देख लीजिए, ऐसे करके सेटिंग करके आप वहाँ पे लगाएंगे अंदर में, सॉकेट को पूरी तरह से फिक्स करना है, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी गैप रहेंगे तो वो आपको चलाते वक्त थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, जिस कारण आपका माल कटाई में प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए आप जब भी लगाएं तो सावधानी पूर्वक इसको लगाएं, सॉकेट को पूरी तरह से बैठाएं जहाँ तक वो आपको लेयर दिया रहता है, तो आप सावधानी पूर्वक इसको अच्छे तरह से सेट कर सकते हैं। गाइज हम पहले इसको खोल लेते हैं, पुराने हमारे होलर में जो सेल लगा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। पहले ये देख लीजिए, पूरी तरह से हमारा ये अभी ख़त्म हो चुका है सेल, इसलिए हमारा धान कुटाई में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। एक जहाँ हमको आधे घंटे में पूरी होता था, वहाँ एक घंटे समय लगता है। देख लीजिए, पूरी तरह से हमारा घाट ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से घिस चुका है, जिस कारण बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, जिस कारण हमें चेंज करना पड़ रहा है अभी। और ये बहुत ही अच्छा काम किया हमें, इतना साल से चलाने के बाद भी अब हम इसको चेंज करना पड़ रहा है। आपको हम दिखाएंगे कैसे चेंज करते हैं, पूरी तरह से देख लीजिए गाइस, कितना सारा
धार बना दिया है हमारा ये ब्लेड में, क्योंकि हम ब्लेड भी चेंज करेंगे जिस कारण से हमारा ब्लेड भी अभी खत्म हो चुका है। ये पहले हम इसको दोनों वायरिंग को खोल लेते हैं अच्छे तरह से हम पाना के द्वारा, और आपको हम दिखाएंगे फिर कैसे सेटिंग करते हैं इसमें, क्योंकि ये वायरिंग हम एक चेंज करेंगे एक इसमें का निकाल के उसमें लगाएंगे, और एक हम नया मार्केट से लाए हैं बाय करके उसको हम सेल के अंदर लगाएंगे। मैं इस होलर की विशेषता बताऊं तो यह होलर हम लॉकडाउन के समय में यह बाय करके लाए थे, उस टाइम से हमारा ये होलर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में हमारा वर्क कर रहा है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से इतना दिन चलाने के बावजूद भी हमारा अभी तक ये सेल नहीं चेंज कर पाए, जिस कारण अभी हमको चेंज करना पड़ रहा है। देख लीजिए हमारा अभी कुटाई बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा था, फिलहाल हम इसको चेंज किए हैं। चेंज करने का कोई और उपाय नहीं था, जिस कारण हमें ये अंतिम स्टेप में आने के बाद हम इसको चेंज कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से हमारा ये अभी ख़त्म हो चुका था। हम इसको अच्छे तरह से खोल लेते हैं, बाहर निकालते हैं अंदर से। देख लीजिए हम पूरी तरह से उसका ढक्कन खोल चुके हैं, इसके लिए हम बाहर निकाल रहे हैं और दिखाएंगे आपको हम इसका सेटिंग करके। पहले हम एक वायरिंग खोल लेते हैं इसके सॉकेट से। ये देख लीजिए हमारा नया सेल है जो इसमें हम लगाएंगे पूरी तरह से वायरिंग को सेटिंग करके आपको हम दिखाएंगे। पहले हम सॉकेट को इसके अंदर अटैच कर लेते हैं, दोनों को हम लेयर एक साइज में रख करके इसका सॉकेट हम सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम वायरिंग लगाएंगे इसके अंदर में। गाइस आपका सवाल था कि हम वायरिंग सेटिंग करके दिखाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक हमारा ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आप सेटिंग करें तो इसको अंदर ही डाल के सेटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक दो mm इधर उधर हुआ तो फिर आपका वायरिंग की जगह थोड़ा नुकसान हो सकता है, जिसलिए आप इसके अंदर डाल के बॉडी के अंदर डाल के आप सेटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसके अंदर ही डाल के सेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले चारों हम स्क्रूप को खोल लेते हैं, जितना भी स्क्रूप लगा है हमारे ये ब्लेड में सभी स्क्रूप को हम अच्छे तरह से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिर नए चेंज करके इसमें लगाएंगे, नया वाला लगाएंगे अच्छा तरह से हम खोलेंगे, क्योंकि टाइट रहने के बावजूद हमें ये स्क्रूप से नहीं खुलता, जिसलिए हमें देसी जुगाड़ करना पड़ता है, जिस कारण ये बहुत ही इसमें थोड़ा सा गैप रहने के कारण ये खुलने में दिक्कत करता है जितना भी स्क्रूप है, इसलिए हम इसको देसी जुगाड़ से खोलते हैं और अच्छा तरह से इसको हम सेटिंग करके फिर से नया लगाएंगे। तो हम इसको फटाफट खोल लेते हैं सभी स्क्रूप को, ये देखिए खुल चुका है। उसके बाद हम ये सेल लगाए हैं इसमें, जो हम नया वाला सेल है उसको हम सेटिंग कर रहे हैं इसमें, एक तरफ से हम सेटिंग कर दिए और दूसरा तरफ से इसमें बचा हुआ है। देख लीजिए गाइस अभी आप ये सेटिंग कर रहे हैं हम इसमें पूरी तरह से, अब हम चेक करते हैं इसमें कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। देख लीजिए हम बैरिंग तो लगाए हैं सेल में अच्छे तरह से, सेटिंग कर दिया है, देख लीजिए गाइस अभी हम पूरी तरह से अच्छे से हम जितना भी काट है उसने सेटिंग कर दिया दोनों वायरिंग को, एक नया एक पुराना वाला वायरिंग हम इसमें सेटिंग किया है, और चूड़ी भी पूरी अच्छे तरह से हम इसे सेट कर दिए गाइस। ये 2 mm हम इसमें गैप दिए हैं जो ब्लेड के अंदर, जो कि हमारा धान निकलने में अच्छा तरह से ये इसमें निकलने और धान कुटाई में प्रॉब्लम नहीं करेगा कोई भी, पूरी अच्छे तरह से ये निकलेगा, इसलिए हम अभी सेटिंग कर रहे हैं वायरिंग को पूरा, इसका जो कवर है वो अच्छा तरह से हम लगाएंगे, उसके बाद हम फिर आपको चालू करके दिखाएंगे कि हमारा चावल कैसा बन रहा है इसमें, ये नया वाला सेल में कितना अच्छा तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है अभी। तो हम फटाफट इसका पूरा ढक्कन दोनों ढक्कन इसको लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो कितना अच्छा तरह से वर्क कर रहे हैं। पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई भी कचरा इसमें न रहे, नहीं तो जाम करेगा हमारा वायरिंग, और वायरिंग हम ग्रीसिंग भी अच्छी तरह से कर दिए हैं ताकि वो रनिंग जो करेगा तो पूरी स्मूथली चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो फटाफट इसमें हम ये ग्रीस डाल देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। गाइस हम इसमें फटाफट सब कुछ सेटिंग कर लिया, देख लीजिए हम चालू करके दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा है, पूरी अच्छे तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है, लॉन भी बेहतरीन तरीके से कुटाई कर रहे हैं, देख लीजिए कितना फास्ट तरीके से हमारा कुटाई हो रहा है, और आपको हम दिखाएंगे कि 1 घंटे में कितना अभी मैक्सिमम हमारा कुटाई करके देता है, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था उसी कारण क्योंकि घाट खत्म हो चुका था। यह नया वाला सेल है, देखिए 1 बार में कितना अच्छा तरीके से हमारा चावल बन रहा है, पूरा प्रेस निकल रहा है।